ये सेट पे भी ऐसे होता था? ऐसे आप लोगों को आप जोक सुनाते हैं, जोक आपको आपको सुनाते हैं, ऐसा होता है क्या? जोक आपको सुनाते अनुराग? अजय भाई के सामने कोई कुछ नहीं बोलता। अजय भाई क्या मतलब यार, प्रैंक की बात आती है, आपका नाम आता है, ऐसा वन लाइनर मारता है, ऐसा वन लाइनर मारता है, आपने देखा भी। इनके सामने कुछ बोलना पंगे लेना है, हम लोग बहुत सोच समझ के बोलते हैं। नहीं लेकिन जनरली जब भी हम बैठे होते हैं, मैं आपको बता दूं, हां हां, तो हम सब जॉनी भाई को ढूंढते हैं, जॉनी भाई को सुनाओ और सेट पे बहुत टाइम पास। डेफिनेटली हम लोग एंजॉय करते हैं यार, बहुत एंजॉय करते हैं। आप एंजॉय नहीं करते तो देखो, हम लोग हंसते खेलते फिल्म बना रहे, इसलिए फिल्म अच्छी बनती है। किसी की हिम्मत है कि आपको कोई जोक सुनाए इनमें से? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, सब सब छुपे रुस्तम नहीं, लेकिन है कई लोग ऐसे अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, सेट के लोग हैं जो बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। जॉनी भाई को मिमिक्री करके दिखा। अच्छा अच्छा, इनके सामने जोक सुनाते हैं, इनकी मिमिक्री करते हैं। आपको पता है एक बार इनका एक एल्बम निकला हुआ है, जी जी जी, इन्होंने बहुत अच्छा गाया है, इसमें कोई शक नहीं। तो सबको सुना, हमने भी गाना सुना, सेट पर बैठे हुए सब लोग, सब सुने जाए इसे सीरियसली, सब सुने और इन्जॉय किए। वही यार एक फोटो लिया, चलो ट्विटर पर भेजते, ट्विटर पर डालेंगे। तो परिणीति आगे बैठी हुई सब, और सब लोग परिणीति आगे और हम लोग पीछे, और हमको इशारा किया और हम लोग सब सो रहे, इनको पता नहीं पीछे क्या हो रहा है। यानी कि इनका गाना सुन के हमको नींद आ गया, नींद आ गई जैसे। मैंने उनको पूछा, यार तुम्हारी खोपड़ी में ऐसी बात आती कैसे? बोले भाई सीधा सीधा क्या कर रहे हैं यार, कुछ उल्टा करो और मजा आएगा, और लोग देखेंगे, लोग फन के साथ देखेंगे, तो ऐसी खोपड़ी चलती है इनकी। मेरा जैसा है स्पेंडिंग टाइम विद जॉनी भाई वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस फिल्म। जॉनी भाई थैंक यू, थैंक यू फॉर दोस मोमेंट्स। क्या बात,